बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। एक तीन नौ अठारह अट्ठाईस छत्तीस बाप रे अड़तालीस चौवन अड़सठ अठहत्तर सत्तासी इक्यानवे बाप रे। अरे कुछ नहीं यार, ये गालियां गिन रहे थे है ना। मोदी जी ने आज गिन के बताया है कि उनको कांग्रेस ने 91 बार गाली दी है, और ये फालतू लोग अपोजिशन वाले उनको अनपढ़ बताते हैं, चौथी फेल राजा बताते हैं, उनकी डिग्री पे शक करते हैं। अगर मोदी जी पढ़े लिखे ना होते हैं तो इतने साल से 91 तक गाली गिन पाते हैं अपनी। आज उन्होंने इतनी सारी गालियां गिन ली 91 तक, और लोग उनको खामखा जो है 18-18 घंटे काम करते हैं, हाँ सारा दिन ऑफिस दफ्तर का काम करते हैं और फिर बीच में बैठ करके गालियां भी गिनते रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं, और तुम लोग जो है उनको बदनाम करने की कोशिश करते हो हा? और कांग्रेस वाले इतनी गालियां, मतलब मोदी जी को 91 बार गालियां हा? और तुम लोग सोच रहे थे गाली दे के निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि 14 गाली दी कि 25 दी कि 28 दी कि 56 दी। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को भी उधार नहीं रखते हैं, एक एक गाली का हिसाब लेते हैं। इसीलिए तो मोदी जी एक एक गाली गिन के रखते हैं हा? और किसी नेता हमको बताओ आज तक किसी ने सब गालियां सबको पड़ती हैं, किसको गालियां? सोनिया गांधी जी को भी गालियां पड़ी, राहुल गांधी जी को गालियां पड़ी है, और तमाम नीतीश कुमार जी को गालियां पड़ी, ममता बनर्जी जी को गालियां पड़ी। लेकिन कोई नेता ऐसा मिला है इतना पढ़ा लिखा जो गालियां को गिन पाए, गिन के रख पाए अपने पास, मोदी जी के अलावा? ये एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सारा काम करते करते अपने को खुद को जो गालियां दी जाती हैं वो गालियां भी गिन के रखते हैं। ऐसा नेता कोई नहीं है, गालियां सबको मिलती होंगी, मिलती हैं, लेकिन भाई साहब ये मोदी है जो गालियां गिन के भी रखता है। हाँ गिन के रखी है कि गालियां मोदी जी ने, फालतू बात करते हो, अनपढ़ बोलते हैं, डिग्री पे शक करते हो उनकी है? और कोई अगर पढ़ा लिखा होता तो गालियां गिन के बताता कि उसको कितनी गालियां मिली हैं, कोई गिन पाया? असली अनपढ़ वो लोग हैं, और बदनाम तुम लोग खाली मोदी जी को करते हो। मोदी जी आप गाली गिनते रहो, 91 गालियां हो गई ना, बस शतक से 9 गालियां दूर रह गए, हाँ शतक हो जाएगा जल्दी अभी। हाँ बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।